सो हेलो, आज मैं आपको बताऊंगा कि विप्रो क्या चीज़ है, ठीक है। विप्रो क्या है और विप्रो क्या काम करती है, ठीक है। कई सारे जनों को पता होगा कि विप्रो है क्या चीज़, ठीक, पर उनको ये पता नहीं रहता कि विप्रो क्या काम करती है, तो आज मैं वही बताऊंगा। तो इसको हम एक एग्जांपल और थ्योरी दोनों से देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विप्रो है क्या। विप्रो एक IT कंपनी है। IT माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, MNC आपने सुना होगा। और ये आपको इसके अभी जो वो CEO या फिर हम डायरेक्टर कह सकते हैं, वो है थेरी टेलापोर्टे, ठीक। और ये सिंस 2020 से हैं, ठीक है। और ये कंपनी तो बहुत पुरानी है, ये बेंगलोर कर्नाटका में अभी हेडक्वार्टर है इसका, ठीक। तो इसका पूरा नाम है विप्रो लिमिटेड। और बात करें इसकी कुछ खासियत की, तो ये बिज़नेस प्रोसेस सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, बिजनेस में अपनी मतलब IT सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अब बात करते हैं विप्रो क्या काम करता है। विप्रो, अब हम बात करते हैं विप्रो के काम के बारे में। विप्रो लिमिटेड एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, ये कंसल्टिंग, ठीक है, जो डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, ये आपको इसमें मदद करते हैं, ठीक। और ऑपरेट्स थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सेगमेंट। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप कोई बिज़नेस चालू करते हो, तो बिज़नेस में आपको कोई भी टेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर कुछ भी आपको वर्क मैनेजमेंट जैसे आपका नहीं हो पाता, उसको फेस करते हो आप, मुश्किल उसमें फेस करते हो, तो वहाँ पे आपको इस तरह की विप्रो जैसी IT कंपनीज आपकी मदद करती हैं, ठीक। ये आपको ये आपसे पैसे लेकर या ऐसा सॉफ्टवेयर देंगे आपको जो आपको हेल्पफुल होगा आपके बिज़नेस में, ठीक है, आपके बिज़नेस के मैनेजमेंट में, ठीक, आपके बिज़नेस को आसानी से मैनेज करने में, जिससे आपको अपने बिज़नेस की सीधी परख और हर जानकारी मिलती रहेगी, और जिससे आपको मतलब बिज़नेस चलाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और अदर इसकी विप्रो की बात करें, तो इसको हम एक एग्जांपल से भी अभी समझेंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो कृपया करके कमेंट कर दें, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। विप्रो के बारे में अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दें, मैं आपको मतलब जानकारी दे दूँगा कमेंट में। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं विप्रो की वर्किंग समझने के लिए, ठीक है। तो विप्रो मान लीजिए, सबसे पहले आप ये जो लड़का है, इसने साड़ी का बिज़नेस चालू करा, इस पर पैसा भी है, इसलिए इसने साड़ी वगैरह खरीद के एक दुकान की किराए पे ले ली और बिज़नेस चालू कर दिया, ठीक। अब क्या होता है, इसका बिज़नेस चलने लगता है, तो मतलब इसका अच्छा प्रॉफिट होने लगता है, धीरे धीरे ये फेमस होने लगता है, ठीक है, इसकी साड़ी की वजह से, इसके कम दाम की वजह से। इसने कई सारे लोगों को अपॉइंट करता है अपनी कंपनी में, धीरे धीरे इसकी कंपनी बहुत बड़ी होती जाती है, ठीक। अब इसको और मतलब इसका जो बिज़नेस है और मतलब ऊंचा होने लग गया और इसको प्रॉफिट होने लग गया और लोग इससे जाने लग गए, ठीक। इसकी किस्मत अच्छी थी, साड़ी के बिज़नेस इसका चल चुका है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये तरक्की करता जा रहा है, सक्सेस से मिलती जा रही है, ठीक, कई सारे ऑर्डर्स ऐसे मिलते जा रहे हैं साड़ी के, ठीक, बहुत बहुत अच्छा हो रहा है इसके साथ। पर अब ये एक प्रॉब्लम फेस करेगा, ठीक है, वो है वर्क मैनेजमेंट। ये अपने वर्क को मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक, कैसे, इस पर तो एम्प्लॉयज़ भी हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूँ वर्क मैनेजमेंट से मेरा क्या मतलब है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ वर्क मैनेजमेंट, ये आपकी जो मतलब वर्क है उसको मैनेज कैसे करते हैं, ठीक। वर्क मैनेजमेंट में बेसिकली 5 चीज़ें आती हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक बिजनेस इंटेलिजेंस, एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, एक प्रोसेस मैनेजमेंट, एक कंप्लेंस मैनेजमेंट। ये सब पांचों चीज़ अगर आपकी एकदम सही वे में है, देन आपका वर्क मतलब आपके बिज़नेस बहुत ही अच्छा चलेगा। इसको चलाने के लिए प्रोजेक्ट आप कैसे बना रहे हो, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ रहा है। बिज़नेस आप मतलब उसमें जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो बिज़नेस पे कैसा ध्यान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या नई मतलब चीज़ें ला रहे हैं जो और किसी के पास नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप मतलब ये इंसान नहीं कर पा रहा है जिसने साड़ी का बिज़नेस खोला है, इसको अब बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि इसका बिज़नेस का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। अब क्या करिए, तो इस वर्क मैनेजमेंट को करने के लिए, अपने मतलब जो चीज़ें उसको अच्छे से चलाने के लिए, ये किसकी हेल्प लेगा, अपने दोस्त की हेल्प लेता है, ठीक है। अब ये परेशान है, तो इसके दोस्त ने क्या कहा, भाई तू जा विप्रो वालों के पास और उनसे मदद मांग, ठीक है। तो विप्रो वालों के पास जाता है, विप्रो वाले इसको कोई सॉफ्टवेयर बना के देते हैं पहले, ठीक है। अब धीरे धीरे इसकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ने लगी, अब ये
अच्छा खासा इसका दोबारा बिजनेस चलने लग गया। इसकी देखो ये सब ग्राफ वगैरह, इसकी देखो अपने आप इसको पता चल रहा है कहाँ का किस चीज़ की कमी है, कौन सी कंप्लेन आ रही है, तो इसको पता रहेगा कि इसको क्या चीज़ किस जगह भेजनी है और उस पर सब रिकॉर्ड रहेगा। एक बटन दबाते ही इसको सब रिकॉर्ड आ जाएगा कि अब हमें कौन से हमारे ऑर्डर ड्यू हैं, कौन से नहीं हैं और क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। ठीक है, तो विप्रो एक सॉफ्टवेयर या फिर एक बिजनेस या फिर मैनेजमेंट आपको बना के दे देता है जिसकी हेल्प से आप सिंप्लीफाई वे में अपने बिजनेस को रन कर सको और बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सको। तो थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, यही था विप्रो की वर्किंग, यही था विप्रो का वर्क। तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों पर भी इसको शेयर कर देना। बाय बाय।